एक और सवाल, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी जो है वो तीन स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ्स का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है। देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2, 1/3 and 1/4। तीन स्टूडेंट्स हैं और उन तीनों के प्रॉब्लम के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। देखो, अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, या आप साथ में कॉपी करो, कोई भी स्टूडेंट होगा वो या तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब पहला स्टूडेंट है, ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर कोई बच्चा 50% चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, तो 50% चांसेस होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर लिखा हुआ है कि बी जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस 1/3 हैं, तो सॉल्व ना कर पाए इसके क्या चांसेस होंगे? 2/3। फिर सी जो तीसरा बच्चा है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस 1/4 है, सॉल्व ना कर पाए इसके क्या चांसेस होंगे? 3/4। ठीक है, मैं वापस से बात को रिपीट करता हूं। उसमें लिखा हुआ था the respective probability of solving the problem is 1/2, 1/3 and 1/4। A के problem solve करने की probability 1/2 है, तो ना solve करने की 1/2। B के problem solve करने की probability 1/3 है, तो ना solve करने की 2/3। C के problem solve करने की probability 1/4 है, तो ना solve करने की 3/4। Find the probability that at least, अब देखो यहां पर ये क्या word लिखा हुआ, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम दो लोग इस मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे? अब देखो, दो लोगों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि एक चीज ये है, ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व ना कर पाए। और क्या हो सकता है बताओ? ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व ना कर पाए, और सी सॉल्व कर ले। और क्या हो सकता है? ए सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व कर ले, और सी भी सॉल्व कर ले। और क्या हो सकता है? तीनों सॉल्व कर ले, कोई भी नहीं, कोई भी का मतलब तो हो गया एक भी उसमें से, तीनों ना, एट लीस्ट टू बोला था। देखो उसने बोला था एट लीस्ट टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि तीनों सॉल्व कर ले, यानी कि ए पे भी टिक, बी पे भी टिक, सी पे भी टिक। अब ए सॉल्व कर ले 1/2, बी सॉल्व कर ले 1/3, सी सॉल्व ना कर पाए 3/4, या फिर ए सॉल्व कर ले, बी भी सॉल्व कर ले, सी भी सॉल्व, सॉरी बी सॉल्व ना कर पाए 2/3, सी को नहीं आना चाहिए था, आएगा आएगा, सी आएगा। इसको सॉल्व करो, मैं बताता हूं क्यों आएगा 1/4। मैं बात समझ गया तुम्हारी, मैं बताता हूं। अच्छा, फिर ए सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व कर ले, और सी भी सॉल्व कर ले, या फिर ए भी कर ले 1/2, बी भी कर ले 1/3, और सी भी कर ले 1/4। बात समझ में आई? इसको पहले ऐड करो, तुम्हारा क्या सवाल है कि सी को क्यों कंसिडर करा, वो वाला आंसर मैं करता हूं। इसको कैलकुलेट करो पहले,
हाँ लेकिन उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डाली है, क्यों उसको डालना जरूरी है। क्या रहा फाइनल आंसर? सेवन अपॉन 24 आ रहा है, ये आ रहा आंसर। क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है। देखो उसने बोला था कि एटलीस्ट दो बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर लें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो उसका मतलब ये हो गया कि या तो कोई भी दो कर लें, फॉर एग्जांपल ए और बी कर लें और सी ना कर पाए, या ए और सी कर लें बी ना कर पाए, या ए ना कर पाए बी और सी कर लें, या फिर तीनों कर लें। तीनों करने इसके इंक्लूड किया क्योंकि उसने लव्स यूज किया था एट लीस्ट। जब वो एट लीस्ट का लव्स यूज करता है विच इज कम से कम, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हमें दो और तीन लोग सॉल्व कर लें, इसको ऐड करना होता है। अब बताओ इसमें क्या सवाल है? कौन सी चीज? सेवन ओवर 24। देखो सबसे पहले तो ये समझ में आया, वन ओवर टू इंटू वन ओवर थ्री इंटू थ्री ओवर फोर, ये टेबल समझ में आ गया जो राइट साइड पे बना हुआ है? टेबल समझ में आ गया ना? पहली चीज हमने क्या कैलकुलेट करी है मुझे बताओ। ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना कर पाए। टेबल से देख के बताओ ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। सी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। इसी तरह से अगला जो है ये वाला जो है ये कैसे आएगा? ए सॉल्व कर ले यानी कि 1/2, बी ना कर पाए 2/3, सी कर ले 1/4। तो ये सारी वैल्यूज तो मैं टेबल से लिख रहा हूं। और बताओ और कोई सवाल है? वन ओवर टू, वन ओवर थ्री और वन ओवर फोर कैसे आई ये बता दो। देखो मेरी बात सुनो, ए स्टूडेंट है, सही है ना? ए स्टूडेंट ने एक सवाल किया, ए स्टूडेंट ने एक सवाल सॉल्व किया, या तो उससे वो सवाल सॉल्व होगा या तो उससे वो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ए स्टूडेंट से या तो सवाल सॉल्व होगा या तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं सवाल सॉल्व करने के इम्कानात 1/2 है, तो सवाल ना सॉल्व करने के इम्कानात कितने होंगे? 1/2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल सम कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से बी है, बी के सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सॉल्व ना करने की कितनी होगी? 1 में से 1/3 को माइनस करो, 2/3। क्यों? क्योंकि हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। इसी तरह से सी है, सी के सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो सॉल्व ना करने की कितनी होगी? क्यों? क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है। और कोई सवाल है? बस। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जब उसने ये कहा था कि भाई एटलीस्ट टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि दो लोग
या तीनों लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला जो लिखा कि ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, और क्या लिखा मैंने, तो ये सी सॉल्व ना करे क्यों लिखा, बस सिर्फ इतना लिख देता है ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले। मैंने ये क्यों लिखा कि ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले सी सॉल्व ना कर पाए, बात को समझ रहे हो, मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले सी सॉल्व ना कर पाए, या फिर मैंने क्या लिखा कि ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व ना कर पाए सी सॉल्व कर ले, या मैंने ये लिखा कि ए सॉल्व ना कर पाए बी सॉल्व कर ले सी भी सॉल्व कर ले, और फिर मैंने ये लिखा कि ए भी सॉल्व कर ले बी भी सॉल्व कर ले और सी भी सॉल्व कर ले। मुझे मेरा सवाल ये है कि जब मैंने ये चीज लिखी कि ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले, तो आखिर मैंने ये साथ में क्यों लिखा कि सी सॉल्व ना कर पाए। मैं इसको यूं भी लिख सकता था ना, ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले, या फिर ए सॉल्व कर ले सी सॉल्व कर ले, या फिर बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व कर ले, या फिर ए भी सॉल्व कर ले बी भी सॉल्व कर ले और सी भी सॉल्व कर ले, ऐसे क्यों नहीं लिखा। हाँ टोटल स्टूडेंट्स नहीं है इसलिए शायद, और कोई तीनों का बताना पड़ेगा क्यों, वो तो सही है बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसी तरह से किया, मैंने दो की तरह से नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया और वैसे क्यों किया। मैं लिख तो रहा हूं ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले, क्या 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 वापस से बताओ, अरे भाई देखो क्या क्या होगा, दो सॉल्व तीन लोग हैं, ए और बी सॉल्व करेगा या फिर ए और सी सॉल्व करेगा या बी और सी सॉल्व, लिख तो रहा हूं अब क्या नहीं पता। अच्छा हाँ भाई और कोई, कोई भी रह जाएगी तो क्या होगा, मतलब मुझे तो सवाल नहीं है आंसर गलत क्यों आएगा। देखो वो बात सही है कि इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, बट अगर मैं सवाल पढ़ूं तो उसने बोला था कि दो सॉल्व कर लें या तीनों कर लें, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसमें और इसमें पता है क्या फर्क होता है, देखो जरा गौर से सुनना, कम अज कम दो नहीं आ रहे, कैसी बात कर दी, आ तो रहे, देखो सवाल ये था ना एटलीस्ट टू ऑफ देम, हाँ नहीं तो कम अज कम दो में दो हो गए ना भाई, मैं तुम्हारे घर पे शादी का कार्ड आया है उसमें लिखा हुआ कम अज कम दो लोग आना, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा होता है लेकिन लिखा हुआ कम अज कम दो लोग आना, तो दो नहीं जा सकते क्या, नहीं दो नहीं जा सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ जा सकते हैं ना, तो यही तो लिखा है यहाँ पर, और भी सॉल्व कर ले मैंने एक, अब सुनो जरा गौर से सुनो, गौर से सुनना, ये चीज भी पेपर में आती है और पता होनी चाहिए, क्या चीज है कि जब हम इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज कैलकुलेट करेंगे ना, ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले और हम सी को इग्नोर करेंगे, यानी कि हमने यहां पर पहली वाली चीज जो हमने ऊपर सही वाले तरीके में लिखी थी, ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना कर पाए, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूंगा ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले और सी को छोड़ दूंगा, तो इसमें हाँ इसमें दो चीजें ऐड हो जाएंगी, क्या, जब मैं सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करूंगा इसका आंसर इसके बराबर आएगा कि ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले सी सॉल्व कर ले प्लस ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले सी सॉल्व ना कर पाए।
जब मैं अपने आंसर के लिए ये लिखूंगा कि भाई ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले और इसकी प्रोबेबिलिटीज को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा और सी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करूंगा, तो जब हम प्रोबेबिलिटी के केस में तीसरा वाला एलिमेंट हो और उसको टोटली इग्नोर कर दें, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, उसमें जो हमने चीज या जो एलिमेंट इग्नोर किया है उसके सारी पॉसिबिलिटीज शामिल होंगी। यानी कि अगर कोई बच्चा इस चीज को कैलकुलेट करता है ना कि ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना करे, उसको नहीं लेता, तो उसमें ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व कर ले भी होगा, और ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना करे ये भी होगा। अब कैसे होगा इसको जरा चेक करते हैं। देखो जरा सुनो, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व कर ले, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/3, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1/6, सही है। अब कैलकुलेट करो ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना कर पाए, तो क्या करते तुम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, क्या आएगा बताओ, बताओ क्या आएगा 3/24। अच्छा, और कैलकुलेट करो ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले और सी भी सॉल्व कर ले, तो क्या होता 1/2, 1/3, 1/4, क्या आता। अब तुम जरा इन दोनों को ऐड करो, 3/24 और 1/24 को ऐड करो 4/24, यानी कि 1/6, यानी कि 1/6, 4/24 को सिंप्लीफाई करो। होता क्या है कि जब आप दो चीजों को कंसिडर करते हो, तीसरे को इग्नोर करते हो, तो आपका जो आंसर आता है ना उसमें ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व कर ले भी शामिल होता है, और ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले और सी सॉल्व ना करे वो भी शामिल होता है। क्योंकि इफेक्टिवली देखो 3/4 कितना परसेंट होता है, 3/4 कितना हुआ 75%, और 1/4 कितना होता है 25%। ऊपर जो 1/6 था ना 100%, उसका 75 और उसका 25% तुमने तोड़ा। तो आपको सवाल में ये लिखना है लाजमी तौर पर, ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व ना कर पाए, ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व ना कर पाए, सी सॉल्व कर ले, या फिर ए सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व करे और सी भी सॉल्व कर ले, या फिर ए और बी और सी तीनों सॉल्व कर ले। क्योंकि अगर आप तीसरे वाले को इग्नोर करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, यानी कि उसमें सी के सॉल्व करना और सी का सॉल्व ना करना दोनों शामिल हो जाएंगे, सही है। अब बताओ कोई मसला है इस सवाल में, कोई मसला नहीं है।